वो निर्णय जो उन्होंने 18 नवंबर को दिया उसके को सत्यापित नहीं किया, इस आधार पर इन्होंने तकनीकी कारण से उस रिट याचिका को जो माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष थी उसको खारिज किया है। ये मामूली तकनीकी है, इस तकनीकी को दूर किया जा सकता था, माननीय सदस्य को जिन्होंने मदन दिलावर को नोटिस दिया जा सकता था, इसके बाद लंबे समय तक पेंडिंग करके और इसको जो हमारे डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स बने हुए विधानसभा के सदस्यों के लिए 1989 के उसके सेक्शन 6-7 के अंदर उसको निरस्त करना, मैं समझता हूँ कि कारण नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूँ, उनके किसी बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, पर मैं आश्चर्यचकित हूँ जब मैंने उन निर्णय की पत्रावली को पढ़ा, जिस प्रकार के छोटे से तकनीकी कारण से मात्र एक आदेश जो स्वयं अध्यक्ष जी का है जिसको सत्यापित करने की आवश्यकता ही नहीं, उसको सत्यापित के रूप में मदन दिलावर जी ने हस्ताक्षर नहीं किए और इसके कारण से उन्होंने अयोग्यता के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल 10 के आधार पर जो रिट याचिका की गई थी उसको निरस्त कर दिया। ये पहला उदाहरण होगा शायद। राजस्थान की जर्जर कानून व्यवस्था, उसकी वानगी प्रतिदिन समाचार पत्रों में हम देखते हैं। कभी सरेआम मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह शहर के अंदर महिला का सड़क पर चीरन होता है, कभी चूरू के अंदर एक दलित बालिका के साथ बलात्कार और फिर वह आत्महत्या करती है, अलवर की लोमहर्षक घटना जिस प्रकार की हुई, प्रताड़ित होकर बालिका के पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, अजमेर में सरेआम एक नौजवान को पोस कॉलोनी में गोली से उड़ा दिया गया, और ऐसे के अंदर सरकार का यह दावा कि कानून व्यवस्था ठीक है, माफियों का राज इस कदर है कि खनन माफियों ने अलवर के अंदर एक होमगार्ड के सिपाही को कुचल कर मार डाला, लगातार पुलिस पर हमले होते हैं, ऐसा होकर पुलिस पिटती चली जा रही है, ऐसी जर्जर कानून व्यवस्था इस सरकार ने दी है जिसके चूल्हे हिली हुई है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है जिनका सारा ध्यान अपने विधायकों के साथ पुलिस के बंदोबस्त में लगा है, अच्छा रहता कि वो गृह विभाग की समीक्षा करते, रोज हत्याएं बलात्कार माफियों का राज इसका तांडव आम राजस्थान का व्यक्ति आज दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहा है। मैं समझता हूं कि विद्रोह जो इस सरकार की पैदाइश के साथ ही हो गया था, जब आप लगातार अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का अपमान करोगे और जब आपस के द्वंद ने सरकार को स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, अब ये ठीक रहा किसी के सर पर तो आपको फोड़ना ही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर राजस्थान की जनता देख रही है कि इस पूरे द्वंद के अंदर, अंतर्द्वंद के अंदर कोई दोषी है तो इस घर का मुखिया है जो अपने परिवार को बांध नहीं पाए। अपने गिरेबा में जाकर देख लें, आप मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, कांग्रेस के टुकड़ों ने सरकार के पायों जन्मदिन की बधाई तो मेरे मित्र मैंने भी दी, पर इस सरकार के खुद के लिए ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना और कोई आपदा प्रबंधन अधिनियम की पालना है, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मौतें बढ़ती जा रही है और सरकार बयानवीर बनी हुई है। मैं समझता हूं आज अदृश्य सरकार है, अब इसको देखने में भी सूक्ष्म यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए किसी प्रकार का प्रबंधन ये सरकार करे इससे राजस्थान की जनता को अब कोई उम्मीद नहीं रही।